नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स कैंप पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट क्लाउड स्किल चैलेंज 2021 के बारे में है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज रखता है जो कि ऑनलाइन है, जिनमें आपको फ्री सर्टिफिकेट मिलता है कुछ में, और कुछ में आपको सिर्फ कोर्स करने मिलता है। और उनके सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है जो कि 10,000 से 15,000 के बीच में है। अब ये जो कोर्सेज हैं ये काफी अच्छे हैं और आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल होंगे। इसके चलते माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार 2021 में एक एग्जाम प्लान किया है जो कि 7 अप्रैल को होने वाला है। उस एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको ये जो कोर्सेज हैं जिनके सर्टिफिकेट पेड हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहले ये एग्जाम देने के पहले का जो प्रोसीजर है वो है कुछ चैलेंज बेस्ड, मतलब आपको कुछ मॉड्यूल्स दिए जाएंगे, आपको उन्हें कंप्लीट करना है गिवन टाइम पीरियड के अंदर। और उसमें जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको ये एग्जाम का वाउचर आ जाएगा आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन के तौर पे। आप उसके जरिए वो एग्जाम दे पाएंगे और आपका ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अब इसका नोटिफिकेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड बेस्ड डॉक्स वाला जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। आपको सारे डिटेल्स भी इसके वहीं पे मिल जाएंगे। मैं अपने तौर पे कुछ आपको जो खास डिटेल्स है वो यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो कुछ इस प्रकार होंगे कि मार्च 2 से लेके मार्च 30 के बीच में आपका ये वाला जो चैलेंज कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है ये निर्धारित किया गया है। इस टाइम पीरियड के बीच में आपको 7 कुछ मॉड्यूल्स हैं उन्हें पूरी तरह से 1 by 1 कंप्लीट कर देना है। इसका कुछ डिटेल्स इस प्रकार है कि जो 7 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो आपका फाइनल पेपर होने वाला है वो होगा, उसके पहले आपको 30 मार्च तक वो सारे पेपर्स सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए क्योंकि आपको कुछ ही चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद फ्री में अच्छे खासे कोर्सेज के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इसमें कुछ एलिजिबल एग्जाम्स इस प्रकार होंगे जो अजूर के, माइक्रोसॉफ्ट 365 के, पावर प्लेटफॉर्म के, सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड आइडेंटिटी, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं इनके कुछ एग्जाम्स होंगे। इसके सारे डिटेल्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाने के बाद आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ मेरे बाजू में भी आपको दिख रहे होंगे ये सारे कोर्स और इसके बारे में जो एग्जाम्स हैं उसके डिटेल्स। इसके अलावा कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने से पहले, वो इस प्रकार है कि 2 मार्च 4 बजे से लेके 30 मार्च 4 बजे के पहले आपको वो सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेने हैं जो भी पेपर आप देना चाहते हैं। उसके अलावा आपको अपना एड्रेस बहुत अच्छी तरह से साफ साफ मेंशन करना है, और आपका जो ईमेल आईडी है वो पर्टिकुलरली सबसे अच्छा और क्लियर आप मेंशन करें क्योंकि उसी के जरिए आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे जो वाउचर्स वगैरह हैं वो मिलेंगे, और आपका फाइनल जो कोर्स का सर्टिफिकेट भी आएगा जो फ्री रहेगा वो भी इसी ईमेल पे ही आएगा। इसलिए आप अपना ईमेल हमेशा ध्यान से भरिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसलिए ज्यादा लेट मत करिएगा क्योंकि आपको उन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने में भी कुछ स्पेसिफिक टाइम लगेगा। 7 मॉड्यूल्स है, आपको टाइम लगेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको रजिस्ट्रेशन करके फाइनल कर दीजिए और इसमें आगे की प्रोसेस चालू कर दीजिए। अब इसमें अप्लाई करने की प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्स का पेज है। यहाँ पे आपको इससे जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाएंगी, एक एक करके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स, एलिजिबल एग्जाम्स, उनके टॉपिक और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह से दिख जाएंगे। इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद आपको कौन सा पेपर पे जाना है आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ अजूर के पहले पेपर पे गए तो आप इसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारियां दिख जाएंगी, जैसे कि ये एग्जाम क्या है और इसमें आपको क्या सा सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका शेड्यूल कैसा है, और अगर आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए पेड वाला तो आपको कितना देना पड़ेगा। इसमें जैसे लिखा है कि $165 आपको देना पड़ेगा, पर अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये फ्री में मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसमें चैलेंजेस जो है उसको हम स्टार्ट करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो हम वापस से इस पेज में जाएंगे जो कि पहले हमने ओपन किया था। इसके बाद यहाँ आप ऊपर आएंगे तो पहले के पैराग्राफ में आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट क्लाउड स्किल चैलेंज मार्च 2021। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट 365 एक्सपीरियंस एग्जाम के बारे में सब मिल जाएगी डिटेल्स। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि आपके पास कितने दिन बचे हैं और कितने घंटे बचे हैं इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उस टाइम के मुताबिक आप जल्दी जल्दी अपना काम करिएगा और ज्यादा विलंब मत करिएगा। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको और डिटेल मिल जाएगी कि लीडर बोर्ड में कितने लोगों ने दे चुका है और उन्होंने कितने कितने मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये भी आप एक बार देख सकते हैं।
इसके अलावा नीचे आएंगे तो आपको FAQs मिल जाएंगे जिसमें आपकी जो भी क्वायरी कंप्लेंट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगी जो आपके माइंड में और आपको उसका आंसर चाहिए तो यहाँ पे आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। पर अगर उसके अलावा भी आपकी कोई क्वायरी या क्वेश्चन रहता है तो आप उनकी वेबसाइट पर नीचे लिख सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई बैक करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर आके कंटिन्यू लर्निंग करना पड़ेगा। कंटिन्यू लर्निंग करने के बाद आपका साइनिंग इन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका पहले से माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट है तो वो आप डायरेक्टली उससे लिंक कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देंगे उसके बाद आपका यही वाला पेज ओपन हो जाएगा, पर आपका लॉग इन आईडी के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे एक भी कोर्स कम्प्लीट नहीं किया है तो यहाँ जीरो दिख रहा है मेरा 43, मतलब मैंने एक भी मॉड्यूल कंप्लीट नहीं किया। और अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करूंगी, उसके बाद मेरा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे मुझे एक एक करके सारे मॉड्यूल्स दिखने लगेंगे। अब मुझे एक एक करके इन्हें सॉल्व करते जाना है, और ऊपर जो मेरा बार दिया हुआ जिसमें जीरो कम्प्लीट लिखा है वो पूरा 100% जब तक कम्प्लीट नहीं होता वहां तक मुझे कम्प्लीट करना है। इन सारे मॉड्यूल्स को एक बार कम्प्लीट कर लेने के बाद आपका ये चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा और आपको वहां पे मेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपको मेल में नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ आपका ये चैलेंज कंप्लीट हो गया है, तभी आप मानिए कि आपका चैलेंज कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज आप टोटली चेक करते रहिएगा और प्रॉपरली सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद आपको आ जाएगा वाउचर वहां पे एग्जाम देने का। वो एग्जाम अगर आप टाइम पे पास जरूर दीजिएगा, और उसे भूलिएगा मत, या उसका रिमाइंडर जरूर लगा लीजिएगा अपने सेलफोन में। और उसके बाद जैसे ही आप पेपर दे देंगे, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको फ्री सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स कर सकते हैं और आपको उसका सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।